आज के इस वीडियो में मैं क्लास ट्वेल्थ के लिए प्रोबेबिलिटी का एक महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। और जनाब ये क्वेश्चन आपका बेस थ्योरम से रिलेटेड है और अक्सर एग्जाम में ये 3 to 4 marks में आपका ये क्वेश्चन आता है। सो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका, अ कार्ड फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 cards इज लॉस्ट। टोटल 52 cards में से एक कार्ड खो गया, ठीक है जनाब। क्वेश्चन जो जो कहेगा वो वैसा साथ करते रहेंगे, है ना। सो 52 कार्ड्स में से एक कार्ड आपका खो गया, तो अब आपके पास कितने कार्ड्स बचे हैं? टोटल 51 कार्ड्स बचे हैं। ओके, फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स ऑफ द पैक, इस रिमेनिंग जो ये कार्ड्स बचे अब आपके पास टोटल 51, ओके, टू कार्ड्स आर ड्रॉन। इस 51 कार्ड्स में से आप दो कार्ड ड्रॉ कर रहे हो। एंड आर फाउंड टू बी बोथ डायमंड्स। ओके जनाब, टोटल 52 कार्ड्स में से एक कार्ड खो गया, अब आपके पास जो भी जितने भी कार्ड्स बचे कितने बचेंगे? 51। सो 51 कार्ड्स में से दो कार्ड हम ड्रॉ कर रहे हैं और वो दोनों के दोनों डायमंड के हैं, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, आप मुझे प्रोबेबिलिटी बताओ ऑफ द लॉस्ट कार्ड बीइंग डायमंड। अच्छा, और वो जो स्टार्टिंग में कार्ड खोया था ना वो डायमंड का था, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? आया समझ में? मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, क्वेश्चन ये कह रहा है कि टोटल 52 कार्ड्स है, टोटल 52 कार्ड्स में से आपका एक कार्ड खो जाता है, तो अब आपके पास 51 कार्ड्स बचे और बिना देखे आपने दो कार्ड ड्रॉ करा और दोनों के दोनों डायमंड है, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि स्टार्टिंग में जो एक कार्ड खोया था वो डायमंड का था? मैं आपको पूरी कहानी समझा रहा हूं, देखिए जनाब, हो सकता है भाई वो जो कार्ड खोया हो वो डायमंड का हो, और ये भी तो हो सकता है कि वो जो कार्ड खोया हो वो डायमंड का ना हो, है ना। अब आपके पास 51 कार्ड्स बचे, इस 51 कार्ड्स में से हो सकता है वो कार्ड खोया हो वो डायमंड का हो, और हो सकता है वो कार्ड जो खोया है वो डायमंड का ना हो, है ना। अच्छा, और अगर जनाब वो कार्ड डायमंड का हुआ तो अब आपके पास जो डायमंड है वो कितने होंगे आप मुझे वो बता दो, और अदर कितने होंगे वो बता दो। अगर वो कार्ड जो खोया था वो डायमंड का नहीं था तो अब डायमंड कितने हैं और अदर कितने हैं वो बता दो। तो जनाब अगर वो कार्ड डायमंड का खोया था तो अब आपके पास डायमंड बचेंगे 12, अदर होगा 39, टोटल कार्ड्स हो गए 51। और वो कार्ड जो खोया था वो डायमंड का नहीं था तो अब आपके पास डायमंड है 13, अदर है आपका 38, अदर में से तो खोया होगा, और टोटल कार्ड्स कितने आपके पास 51। बोलो पूरी कहानी समझ आई? ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन आपका बेस थ्योरम का है, और मैंने आप लोगों को बताया है बेस थ्योरम वाले क्वेश्चन में जो सॉल्यूशन है वो ऊपर से स्टार्ट नहीं करना जनाब, नीचे से स्टार्ट करना है, फॉर्मूले से स्टार्ट करना है। चलिए फॉर्मूला बनाते हैं, देखना ध्यान से। अब आप लोग जो हो चुका होता है, जो गिवन है वो डिनोमिनेटर में, और जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है वो न्यूमरेटर में। सो क्या हो चुका है यहाँ पे? टू कार्ड्स आर ड्रॉन एंड आर फाउंड टू बी बोथ डायमंड्स। दो कार्ड हमने ड्रॉ करा वो दोनों के दोनों डायमंड है, बोथ डायमंड, उसको मैंने बी से नोट करा है। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी जो पूछ जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा होता है वो न्यूमरेटर में, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी जो स्टार्टिंग में कार्ड खोया था वो डायमंड का था? ठीक है, फॉर्मूले बनाए, कॉपी पेस्ट पलटी। ओके, चलिए अपॉन कॉपी पेस्ट जनाब, देखो फॉर्मूला क्या होता है प्रोबेबिलिटी का, फेवरेबल अपॉन में टोटल, तो नीचे आएंगे टोटल क्वेश्चन, ठीक है। तो भाई हो सकता है वो कार्ड जो खोया था वो डायमंड का था, और अगर डायमंड का था फिर से आप दो कार्ड निकाल रहे हो और दोनों के दोनों डायमंड आए, इसकी प्रोबेबिलिटी है ना। तो ये भी तो हो सकता है कि जो स्टार्टिंग में कार्ड खोया था वो डायमंड का नहीं था, समझ रहे आप लोग, वो जो स्टार्टिंग में कार्ड खोया था वो डायमंड का नहीं था, और अगर डायमंड का नहीं था फिर दो कार्ड आप ड्रॉ कर रहे हो और वो दोनों के दोनों क्या है आपके डायमंड है, इसकी प्रोबेबिलिटी भाई प्रोबेबिलिटी में होता ही है ना, फेवरेबल अपॉन में टोटल, तो नीचे बेस थ्योरम में टोटल केसेस आएंगे सारे, ठीक है। चलिए सो गाइज, अब हमें इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है, इनकी प्रोबेबिलिटीज की वैल्यू फाइंड करनी है। अब बताओ डायमंड टोटल होता कितना है, टोटल डायमंड कितना होता है? ठीक है, टोटल डायमंड हो गया 13, सो 13 अपॉन 52 दैट इज 1/4, है ना, कितना आएगा 1/4। और डी बार मतलब डायमंड का जो खोया कार्ड है, जो खोया है वो डायमंड का नहीं है, तो कितने होते हैं जनाब अदर, कितने होंगे फिर 39 होंगे, तो 39 अपॉन 52 बोले तो 3/4। और जनाब अगर वो कार्ड डायमंड का खोया था स्टार्टिंग में फिर आप दो कार्ड ड्रॉ कर रहे हो और वो दोनों के दोनों डायमंड आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो जनाब अगर स्टार्टिंग में कार्ड जो खोया था वो डायमंड का था तो अब आपके पास डायमंड कितने बचे? 12 बचे ना, इन्हीं 12 में से तो आप कार्ड ड्रॉ करने वाले हो और वो दोनों के दोनों डायमंड आने वाले हैं, तो पहला कार्ड ड्रॉ करो, चलो इसी 12 में से तो ड्रॉ करोगे, अरे ये आ गया डायमंड का, तो यहां लिख दो
12/51 क्योंकि टोटल कार्ड 51 है। फिर से कार्ड ड्रॉ करा और फिर से डायमंड आ गया, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? उसकी खुद की प्रोबेबिलिटी होगी, बिकॉज पहले क्या आया था इसे दूसरे वाले डायमंड के शेयर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बार जो आप कार्ड ड्रॉ कर रहे हो, आपने पहली बार ड्रॉ करा था और क्या आया था उससे उसके शेयर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी खुद की प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम। सो क्या होगा जनाब? इंटू 11/50 क्यों? क्योंकि पहले तो एक कार्ड खो चुका है तो 51, और फिर आपने यहाँ पे एक कार्ड और ड्रॉ करा तो टोटल तो 50 ही कार्ड्स बचे ना, तो उसी 12 बचा आपका, सॉरी 11 ये बचा। क्यों? क्योंकि पहले एक कार्ड डायमंड का खो चुका है और एक कार्ड अभी आपने यहाँ पे ड्रॉ करा है, तो उस 11 बच गया आप डायमंड के और टोटल बच गया 50, तो 11/50। ठीक है, इसी तरीके से अगर जो वो कार्ड खोया था वो डायमंड का नहीं खोया था और फिर से आप डायमंड दो कार्ड निकाल रहे हो और वो डायमंड का हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो जनाब अगर वो डायमंड का नहीं खोया था तो डायमंड कितना बचा? 13, और टोटल कितना है? 51। सो इस 13 में से 51 इस टोटल जो है डायमंड का वो 13 है और टोटल कार्ड्स है 51, है ना। सो इस 13 में से ही तो कार्ड ड्रॉ करोगे, पहला कार्ड निकाला, अरे ये डायमंड का आ गया, तो क्या होगा गाइस? 13/51। फिर से एक कार्ड निकाला और वो डायमंड का आ गया, तो एक पहले कार्ड निकाल चुके हो ना आप, तो अब कार्ड कितना बचा डायमंड वाला? 12, और टोटल कार्ड्स कितने बचे हैं अब आपके? 50, तो इंटू 12/50। सो मैंने अब आप लोगों को सारी वैल्यूज फाइंड कर दी है, आप भर लो, क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत? इजी क्वेश्चन था, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था जनाब, मज़ेदार क्वेश्चन था। ठीक है, सो वीडियो को पॉज करो, आप लोग इसको नोट कर लो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे भी जहर क्वेश्चन के साथ। सो थैंक यू सो मच।